सरकारिया आदेशों को धक्का देता जबरदस्त दबंग ठेकेदार, देखिए किस प्रकार से अपना कर रहा है कार्य। और वही कहीं ना कहीं स्वामी चकपाणी जी महाराज क्या कुछ कहते हैं, आइए हम सुनाते हैं ये इनका क्या मामला है, विस्तार से सुनाएंगे स्वामी चकपाणी जी महाराज, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। समय से मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा, चूँकि पूरी बिल्डिंग यहाँ पे थी उनको तोड़ा गया, और जो तोड़ने से जो वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हुई, आप सोचिए जरा कि कोई भी यहाँ पे कवर नहीं किया गया और इसी तरह तोड़ने का काम किया गया 3-4 मंजिली बिल्डिंग, अब कितना यहाँ पे वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हुआ होगा। इसके वजह से हमारे 2-2, 3-3 बार देखिए आँख की ऑपरेशन भी अपनी खुद करानी पड़ी, आँख में इन्फेक्शन हो गया, एक बच्चा था उसका भी तबीयत खराब हो गया वायु प्रदूषण के कारण, और हमने शिकायत किया। अभी जब शिकायत की यहाँ पे जो पोल्यूशन विभाग के जो दिल्ली के चीफ हैं संजीव जी, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सुनील जी को भेजा, और उसके बाद 2 दिन सिर्फ 28-29 को निरीक्षण करने के बाद पाया कि इन्होंने पोल्यूशन विभाग से NOC भी नहीं लिया था जो सर्टिफिकेट लिया जाता है, और उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपये का चालान काटा इनके खिलाफ़ और उन्होंने काम बंद करा दिया। लेकिन आप देखिए कि लेकिन उसके बाद इनकी जिस प्रकार से आदत होती है हर व्यक्ति को सेटिंग करना, हर व्यक्ति को पैसे खिला करके काम कराना, तो वो ये अभी भी जारी है और पहले भी इसी तरह कराते हुए आए, तभी इतना प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण फैलाने का काम किया। और निश्चित रूप से अब ये समझिए भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ये, और जिस प्रकार से सरकारी जो गाइडलाइन है उसको धत्ता बता करके उसको जिया उड़ा करके काम की जा रही है, वो किसी से छुपा नहीं रहा। सबसे बड़ी उदाहरण ये है कि आज 50,000 रुपये का आप देखिए चालान कट गया, जो प्रमाण है जो स्पष्ट है आपके पास भी होगा, सबके पास होगा, और अगर जो आप इनसे आपने पूछा और इन्होंने बोला नहीं मुझे ये चालान किसी प्रकार का नहीं कटा है और ये झूठी बात है, तो आप ज़रा सोचिए कि जब सरकारी चीज़ों को वो अनदेखा कर रहे हैं कि नहीं चालान नहीं कटा, तो कितना झूठ बोल सकते हैं अपने कार्यों में। हमारा ये मतलब है कि पर्यावरण आज जब पूरी विश्व के लोग चिंतित है और खासतौर से भारत में दिल्ली NCR में भयंकर प्रदूषण का मामला चल रहा है, उस समय गाइडलाइन के अनुसार और रहना चाहिए कम से कम ये, तो इसलिए मैंने शिकायत की कि ये सिर्फ शिकायत मेरे लिए अपने लिए नहीं किया, हमारा कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं था, बल्कि हम ये चाहते हैं कि मानवता के लिए पर्यावरण बिल्कुल ठीक नहीं है, जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ जाकर अब तक जो आपने किया, आपके बिल्कुल लीज कैंसिल होने चाहिए, आपके करोड़ों रुपये के फाइन लगने चाहिए। हम तमाम अभी देखिए जो ट्रैफिक से NOC ली जाती है, हमें पता चला कि वो भी उन्होंने नहीं लिया, बस निचले स्तर पे कुछ लोगों को, कुछ कर्मचारी कुछ अधिकारियों को, कुछ लोगों को पैसे खिलाकर इस तरह से काम चलाते हैं, जबकि ऊपर के अधिकारियों को नहीं पता, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों को जैसे ही पता चलता है तो कार्रवाई करते हैं। अब SDM गीता जी से हमने जब शिकायत की, उन्होंने तुरंत 2-2, 3-3 बार उन्होंने फोर्स भेजने का काम किया है, तो मैं बिल्कुल इस पे धन्यवाद दूंगा जो पोल्यूशन विभाग के चेयरमैन हैं संजीव जी रेड्डी जी, जिनके आदेश पे इनको 50,000 का फाइन लगा, और सुनील जी जो खुद 2-2 बार आकर के उन्होंने निरीक्षण किया और इनको काम रोका और 50,000 रुपये का फाइन लगा, और उसके साथ SDM गीता जी जो है, जो हमेशा हमने एक व्हाट्सअप पे सिर्फ मैसेज भेजा इनके फोटो के साथ जो काम कर रहे थे, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। तो निश्चित रूप से जब अफसर से हम बात करते हैं जो ईमानदार अधिकारी हैं, तो वो चिंतित है पोल्यूशन के लिए, कोई भी इलीगल या कोई भी ऐसे जो गाइडलाइन के खिलाफ कार्य होता है उस पर कार्रवाई करते हैं। तो हम इसके माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं हर व्यक्ति को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और अपने लिए नहीं समाज के लिए राष्ट्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अवैध लोग जो अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं कानून को और सिस्टम को धत्ता बताते हुए, ये बहुत गलत है। और अभी भी जो कह रहे हैं कि नहीं हम पे कोई नहीं फाइन लगा, जैसे आपने बताया कि आपको बताया उन्होंने, तो ये झूठ बोल रहे हैं, और उसके आड़ में आप निचले स्तर पे प्रयास कर रहे होंगे कि सेट करके और काम हम पुनः जो है अवैध रूप से निर्माण करें, तो ये गलत है। अगर मामला कुछ भी ऐसा होता है तो अगर जो इससे बड़े हम अधिकारी से बात करेंगे, और अगर जो कुछ भी नहीं हुआ तो हमें माननीय कोर्ट हाई कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हम किसी भी अवैध प्रकार की गतिविधियों को हम चलने नहीं देंगे अपने आँखों के सामने। किसी प्रकार का जो पोल्यूशन होता है या कोई भी नियम की धत्ती बताई जा रही है तो उसको किसी भी तरीके से हम नहीं चलने देंगे, चाहे अगर जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो वर्तमान में जो नई दिल्ली में अधिकारी हैं जो इससे संबंधित जुड़े हुए हैं, चाहे SDM गीता जी हैं या DC हैं तन्नु जी हैं, ये लोग अच्छे अधिकारी हैं, और जो पोल्यूशन विभाग है ये लोग शायद इस गतिविधि को बिल्कुल रोकेंगे और रोके हुए हैं अभी तक। तो